हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैंने बहुत दिनों के बाद वीडियो बनाई है। कोई कारण था जिसके कारण मैंने वीडियो बनानी बंद कर दी थी, लेकिन अब मेरी वीडियो कंटिन्यू आएगी। देरी के लिए सॉरी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम तेल गरम करेंगे कुकर में। जब तेल गरम हो जाए तो हम उसमें डालेंगे हींग, जीरा और काली मिर्च की 8-10 दाने और उसे तड़कने देंगे। और जब जीरा चटकने लगे तब हम उसमें डालेंगे प्याज और उसे 1-2 सेकंड तक फ्राई करेंगे। प्याज के हल्का ब्राउन होने पर हम उसमें डालेंगे मटर और उसे भी 1-2 सेकंड के लिए फ्राई करेंगे। फिर हम उसमें डालेंगे कटे हुए आलू और उन दोनों को अच्छे से 10 मिनट तक फ्राई करेंगे। आलू और मटर को धीमी आंच पर ही फ्राई करें। जब अच्छे से फ्राई हो जाए तो अब हम उसमें डालेंगे बेसिक मसाले, जिसमें हमने डाली है हल्दी, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच गर्म मसाला, नमक स्वादानुसार और अच्छे से मिक्स करें और उसे 10 मिनट के लिए धीमी आंच पर फिर पकने दें। अब हम उसमें डालेंगे 1/2 चम्मच के करीब कश्मीरी लाल मिर्च और 1/2 चम्मच गरम मसाला डालकर उन सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे। सभी मसाले डालने के बाद 5-7 मिनट के लिए उसे धीमी आंच पर अच्छे से भूनें। अब हम उसमें डालेंगे कटे हुए 2 टमाटर और अच्छे से मिक्स करके उसको धीमी आंच पर भूनेंगे। 5 मिनट धीमी आंच पर भूनने के बाद अब हम उसमें डालेंगे बारीक कुटा हुआ लहसुन। लहसुन की 8-10 कलियों को हमने पहले से ओखली में कूट कर रखा है। अब इन सभी सब्जियों और मसालों को 5-7 मिनट के लिए धीमी आंच पर पकाएंगे। सब्जियां और मसाले अच्छे से भून चुके हैं। अब हम उसमें डालेंगे पानी। पानी आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से डालें और उसमें 2-3 सीटी लगाएं। आइए अब बनाते हैं चावल। यहाँ मैंने चावल को 10 मिनट पहले धोकर भिगा रखा है। अब हम इसको कुकर में डालेंगे और चावल के हिसाब से इसमें पानी डालकर 1 सीटी लगाएंगे। चावलों को खिला खिला और सॉफ्ट बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 चम्मच रिफाइंड का इस्तेमाल किया है। आप भी ऐसा कर सकते हैं, इससे चावल टेस्टी और अच्छे बनते हैं। हमारी आलू मटर की सब्जी तैयार है। अब हम उसमें थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे। इस वक्त मेरे पास हरा धनिया बहुत कम था तो मैंने थोड़ा सा ही डाला है। जब तक हमारे चावल बनते हैं आइए तब तक हम टमाटर की चटनी तैयार करते हैं। यहाँ पर मैंने 4 टमाटर को भूनकर उसको ठंडा करके छील लिया है। अब हम उसमें डाल रहे हैं 4 हरी मिर्च कटी हुई, थोड़ा सा अदरक, 2 लाल मिर्च, नमक, आधा चम्मच पीसी मिर्ची और अब हम चटनी को तैयार करते हैं। हमारा टेस्टी खाना तैयार है।
तो आइए अब हम इसे एक थाली में परोसते हैं। तो आप बताइए कि हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। आगे भी आप मेरी वीडियो को ऐसे ही इंजॉय करें। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को अंत तक देखने के लिए एक बार फिर से थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।